सीहोर वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र लाड़कुई बीती रात शिकार की तलाश में तेंदुआ गांव में घुस गया। तेंदुआ जंगल से लगे खेत पर बने घर में घुस गया। घर के सदस्य जब बाहर आंगन में बैठे थे तभी तेंदुआ पीछे के गेट से कमरे में दाखिल हो गया। सामान गिरने की आवाज आई तो देखने पर तेंदुआ कमरे में नजर आया, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गए। सभी ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुओं को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश उइके ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जिसके बाद वन हमले ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। वहीं करीब 11 बजे भोपाल से रेस्क्यू टीम ग्राम किशनगढ़ पहुंची और मकान का मुआयना करने के बाद रेस्क्यू प्रारंभ किया। 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मादा तेंदुओं को बाहर निकाला गया। कल दिनांक 13/4/2024 को रात को 11:30 बजे कुछ मैसेज आया। रेंजर साहब ने जी मैसेज की, मतलब किशनपुर में एक घर में तेंदुआ घुस गया है, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारी को दिया है और रेस्क्यू टीम को सूचना दिया है 12-1 बजे तक। उसके बाद आज सुबह से जल्दी 8:30 बजे से वो रेस्क्यू टीम आई और उसके साथ आकर यहाँ पर किशनपुर में एक प्रहलाद विश्राम के घर से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू हो गया है और उसको गाड़ी में लेके अभी भोपाल की ओर रवाना हो चुके हैं।